गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम क्षितिज का लेसन 2 लहसा की और पाठ का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक राहुल सांकृत्या जी ने अपनी तिब्बत यात्रा के विषय में बताया है। लहसा की और पाठ एक यात्रा वृतांत है। लेखक सन 1929 से 30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे। उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अर्थात जब लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए जा रहा था तब भारत के लोगों को तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए लेखक को यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में करनी पड़ी और इसीलिए लेखक एक भिखमंगे का वेश बनाकर तिब्बत पर के लिए गया। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का लेखक ने वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन जी के इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के अनुसार लेखक जिस रास्ते की बात कर रहा है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है और यह रास्ता है फरी कलिंग पोंग का रास्ता। जब अस्तित्व में नहीं आया था तब सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी, अर्थात जिस रास्ते की लेखक ने बात की है उस रास्ते से व्यापार होता था और फौजी आते जाते थे। फरी कलिंग पोंग का रास्ता उस समय नहीं बना था, ये बाद में बना। तो लेखक कहता है कि जब वह उस रास्ते से तिब्बत जा रहा था तो उसने देखा जगह जगह पर फौजी चौकियां बनी हुई थीं। उन फौजी चौकियों में कुछ किसानों ने अपने घर बना लिए थे और कुछ चौकियों में चाय की दुकानें खुल गई थीं, क्योंकि सेना द्वारा वह चौकियां त्याग दी गई थीं, छोड़ दी गई थीं। लेखक कहता है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ कष्ट भी हैं और कुछ आराम भी। वहाँ ना जाति पाति पाई जाती है, ना छुआछूत की कोई भावना है और ना ही वहाँ की महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है, अर्थात वहाँ जात पात छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएँ नहीं हैं। चोरी के डर से एकदम निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता। वो कहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं तिब्बत के लोग उन्हें अपने घर में नहीं आने देते क्योंकि चोरी का डर रहता है। वो कहता है कि यहाँ तिब्बत में आप भले अपरिचित हों पर आप किसी के घर में भी अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं और घर की बहू या सास से चाय बनाने के लिए कह सकते हैं, बस आपको उन्हें चाय बनाने का सामान देना होगा, घर की बहू या सास आपके लिए चाय बना देगी। और यदि आपको लगता है कि वो आपकी चाय में सारा मक्खन नहीं डालेंगी तो आप उनके साथ उनकी रसोई तक भी जा सकते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक ने बताया है कि परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहगीरी मांगने के उद्देश्य से आया, अर्थात वो चीनी किले जिनमें फ़ौज रहती थी पहले, जिनमें अब किसान और चाय की दुकानें खुल गई थीं और किसान रहने लगे थे। लेखक वहाँ से अपने मित्र सुमति के साथ चाय पीकर जब आगे बढ़ने लगा तभी एक व्यक्ति आया, वो राहदारी मांगने लगा। राहदारी जैसे टोल टैक्स होता है आजकल, ऐसे ही वो उनसे लेने के लिए आया राहदारी। तो लेखक ने दो चिटें उसको दीं, तब उन्हें आगे जाने के लिए परमिशन मिली, अनुमति दी गई। उसके बाद वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति के परिचित लोग रहते थे। अभी मैंने बताया था सुमति जो है वो लेखक का दोस्त है, वो वहीं का रहने वाला है, वो मंगोल जाति का है।
उसकी विशेषता है कि उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो सुमति की जान पहचान के वहाँ लोग रहते थे, जिस वजह से लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहता है कि 5 वर्ष बाद जब वो उसी रास्ते से तिब्बत गया तो एक भद्र व्यक्ति यानी सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति के रूप में घोड़े पर सवार होकर तिब्बत यात्रा पर गया, किंतु उस समय उसे गांव में रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली, बल्कि सबसे गरीब झोंपड़े में उसको रुकना पड़ा। शायद इसकी वजह ये थी कि उस समय उसके साथ कोई उसका मित्र सुमति जैसा नहीं था जिसकी जान पहचान के वहाँ लोग हों। साथ ही 5 वर्ष का समय काफ़ी लंबा होता है, तिब्बत के लोगों की मनोवृत्ति बदल चुकी होगी, वो लोग शायद अब अपरिचितों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। लेखक ने बताया दूसरे दिन लेखक अपने दोस्त सुमति को डांडा थोंगला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में जो डांडे हैं वह सबसे खतरनाक जगह होती हैं। डांडे यानी पहाड़, इन पहाड़ों की ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट तक है और दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता, अर्थात दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता। तो ये जो डांडे हैं, ये जो पहाड़ हैं, डाकुओं के लिए सबसे अच्छे स्थान हैं, क्योंकि वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता। ये जो डाकू हैं पहले लोगों को जान से मार देते हैं, तत्पश्चात लूटपाट करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। हथियार का कानून क्या होता है? जैसे आज वर्तमान में हमें अगर कोई शस्त्र खरीदना है तो उसके लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, तब कहीं जाके हम शस्त्र खरीद सकते हैं। तो तिब्बत में ऐसा कोई भी कानून नहीं था, इसीलिए लोगों के पास हथियार होते थे, बंदूकें होती थीं। तो डाकुओं को भी इस बात का डर रहता था कि अगर वो किसी को लूटेंगे तो हो सकता है उस व्यक्ति के पास भी बंदूक हो और वो डाकुओं को मार दे। तो इसीलिए पहले डाकू क्या करते थे, लोगों को मार देते थे, तब लूटपाट करते थे। लेखक कहता है इसीलिए हम लोग भिखारी के वेश में थे, जब भी कोई हमें मिलता तो हम कुची कुची कहकर उनसे भीख मांगने लगते। लेखक और उसके साथी सुमति का अगला लक्ष्य लंगकोर था, जो लगभग 16-17 मील का था। लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और थकान भी काफ़ी हो गई है। दूसरे दिन दोनों घोड़ों की सवारी करके पहाड़ की ओर चले गए और वहाँ दोपहर तक पहुँच गए थे। वे जब पहाड़ पर पहुँचे तो समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे वो लोग। वहाँ उन्हें बिना किसी बर्फ़ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, यानी पहाड़ों पर ना तो हरियाली थी ना बर्फ़ थी। सुमति ने बताया डांडे का जो सबसे ऊँचा स्थान है वह हमारे देवता का स्थान है। देवता के स्थान को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब चढ़ाई ख़त्म हो गई थी, नीचे की तरफ रास्ते पर उतरना था। लेखक का घोड़ा सुस्त हो गया, धीमा चलने लगा और लेखक घोड़े को मारना भी नहीं चाहता था, जिस कारण लेखक का दोस्त सुमति उससे आगे निकल गया। आगे आने पर लेखक को 2 रास्ते दिखाई दिए, वह बाईं तरफ चला गया जबकि उसको जाना दाईं तरफ था। बाईं तरफ 1.5 मील आगे जाने के बाद उसे पता लगा कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, तो वह वापस लौटा। लेखक को देर हो गई थी, सुमति गुस्से में था, सुमति लेखक पर गुस्सा करने लगा, लेकिन जब लेखक ने उसे सारी बातें बताईं तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। लंगकोर में भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, यहाँ सुमति के भी जानने पहचानने वाले थे। दोनों को खाने के लिए अच्छा भोजन मिला, चाय मिली, खाने के लिए सत्तू मिला और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पीने के लिए मिला। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ,
जो हड्डी, मांस, मूली आदि को मिलाकर बनाया जाता है। लेखक के अनुसार दूसरे दिन वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। जो तिंगरी का विशाल मैदान था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में मैदान में एक टापू सा बना हुआ था जिसे लोग तिंगरी समाधिगिरी कहते थे। इस पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी रखा गया था। वहाँ भी आसपास के गांव में सुमति की बहुत जान पहचान के लोग थे। सुमति अपने परिचितों से जाकर मिलना चाहता था लेकिन लेखक ने उसे मना कर दिया क्योंकि सुमति कई कई दिन अपने परिचितों के पास रुक जाता था। सुमति जो है अपने परिचितों को, अपने यजमानों को गंडे बांटने जाता था। वो बौद्ध गया से कपड़ा लाता था और उसके गंडे बनाता था, गंडे यानी ताबीज बनाता था और लोगों को देता था। बदले में लोग उसको दक्षिणा देते थे, इसीलिए वह लोगों से मिलना चाहता था। लेकिन जब वो बहुत बहुत दिन रुक जाता था तो लेखक को भी रुकना पड़ता था, इसलिए लेखक ने उसे जाने से मना कर दिया। अब लेखक और सुमति अपना अपना सामान पीठ पर लादकर हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे जिसके लिए वे बहाना करके लेखक को शेखर विहार की ओर ले गए। वो शेखर विहार पहुँचे तो लेखक बताता है कि शेखर विहार में जो भूमि है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। जो बौद्ध धर्म के आश्रम होते हैं उनको मठ कहते हैं, तो जो खेती है वो मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी करता है, जिस काम के लिए उन्हें जो मजदूर हैं वो बेगार में मिल जाया करते हैं। बेगार में यानी प्रतिदिन की मजदूरी पर। खेती का वहाँ पर जो प्रबंध देखते हैं वो बौद्ध भिक्षु देखते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को राजा के समान अधिकार मिलते हैं, राजा के समान सम्मान दिया जाता है। जो शेखर विहार की खेती के जो मुखिया हैं भिक्षु, जिनको नमसे कहते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वो कहता है लेखक कि वहाँ पर ही शेखर विहार में एक बड़ा नामी मंदिर था जिसमें उसको कंजूर यानी बुद्ध के वचन के अनुवाद की एक पुस्तक मिली। लेखक ने बताया है कि वहाँ पर कंजूर की यानी बुद्ध के वचनों के अनुवाद की 103 पोथियाँ रखी थी और एक पोथी का वजन कम से कम 15 सेर था। लेखक आसन जमाकर वहीं बैठ गया और बुद्ध वचनों के अनुवाद यंत्र अर्थात कंजूर को पढ़ने लगा। तभी सुमति ने उससे पूछा कि वह अपने यजमानों के पास चला जाए, तो लेखक ने उसे नहीं रोका। ऐसा क्यों हुआ जबकि पहली बार तो उसने मना कर दिया था सुमति को और दूसरी बार नहीं रोका? तो पहली बार तो इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था सुमति चला जाएगा तो लौट कर जल्दी नहीं आएगा। दूसरी बार उसने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वह किताब पढ़ने में रम गया था और सुमति ने अचानक पूछा तो उसने जाने के लिए कह दिया और लेखक भी उस किताब को पढ़ना चाहता था, तो उसने कहा ये इतने अपने यजमानों से मिल आएगा, इतने में किताब पढ़ लूँगा। लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि सुमति को लौटने में दो तीन दिन का समय लग जाएगा, परंतु सुमति दोपहर तक वापस आ गया। तिंगरी गांव वहाँ से दूर नहीं था, इसीलिए लेखक और सुमति दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर तिंगरी की ओर चल पड़े। तो ये था हमारा पाठ ल्हासा की ओर। अगले पाठ को अगली वीडियो में समझाऊँगा।